मैं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ये है 12th एपिसोड थाईलैंड सीरीज। इस वक्त हम पटाया में। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि पटाया में घूमने के लिए कौन कौन से खूबसूरत जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। शुरुआत करनी चाहिए हमें पटाया की फेमस वॉकिंग स्ट्रीट से, उसके बाद म्यूजियम और इसी तरह की बहुत सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी आपको इस एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ, कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है। शुरू करते हैं। ओके, सो ये है मसाज विद बूम बूम 2500, राइट? 2500, सो क्यूपिड मसाज, राइट? दैट्स व्हाट यू कॉल इट। ओके, रामायना पार्क हम लोग अगर जा रहे हैं तो उसका बताया जा रहा है 1100 बाट फॉर 1 पर्सन। सो ये रखा ब्रोशर मैंने यहाँ पे। और डॉल्फिन वर्ल्ड है पटाया में, इसका 500 बाट का है। और ये जो आर्ट वर्ल्ड है ये 400 बाट का रेट दिया जा रहा है। ऑनलाइन हम चेक कर रहे थे तब भी सेम ही था, ऑलमोस्ट उतना ही है। 300 बाट लीजिए। जो जानकारी मिल पाई है यहाँ से स्कूटर राइड के बारे में, इनका कहना है कि ये 300 बाट के रेंट पे देंगे 24 घंटे के लिए। अभी 9 बजे आप जैसे ले जाते हो तो कल 9 बजे वापस कर सकते हो। क्लॉक वाइज 24 आवर्स में आप ले सकते हैं। 1000 बाट का डिपॉजिट बताया है। पासपोर्ट रखने वाली बात इसने नहीं बोली, पर हो सकता है इसका जो ओनर आए एक्चुअल वो यही बात बोले। तो 300 बाट स्कूटी राइड ऑन रेंट, एक बंदे का 150 बाट। यहाँ पर जो बाकी जगह हैं जो मैं मसाज के बारे में बता रहा था, 2500 बाट की बात हो रही है। इंडिया में भी आप विदाउट मसाज 3 से 5 हज़ार रुपये तो किसी भी कॉल गर्ल के लिए देते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट में आपको मसाज प्लस सेक्स करने को मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सोच, मैं बजट ट्रैवलर हूँ इतना तो मेरा बजट भी नहीं है, मैं 2500 बाट पे। ब्रेकफास्ट के हिसाब से मुझे कुछ ऑप्शन मिला नहीं है अभी तक। ओ, बाहर ही है, ट्राई तो कर सकता हूँ कुछ। फिश और फिश करने के लिए 50 पार्ट में, यानी कि 125 रुपये। देखिए सेम होटल में कंटिन्यू किया, 972 बाट पे करके और वापस सड़कों पर। टाइम हुआ है 3:30 बजे, आज हमारे ट्रिप का 5वां दिन है। आप लोग जो आ रहे हैं घूमने के लिए, 1080 बाट की जो मैं बात कर रहा था ना एडल्ट्स के लिए, वो स्नॉकलिंग है। स्नॉकलिंग स्कूबा डाइविंग से अलग है। तो स्नॉकलिंग का 1080 है, 2999 रुपये की कॉस्टिंग आएगी अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाह रहे हैं।
दो बार डाइव करने का मौका मिलता है उसमें। ठीक है, स्कूटी हमने ली है 200 बाट में। तो ये निकले हैं ट्रिप पे और मैं निकला हूँ पैदल आपको सैर कराने। बहुत चाहे मॉन्कॉन बिल्कुल सामने है मेरे, फिर मैं पेट्रेल से रूट क्रॉस कर रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा वहाँ। यहाँ के इंडियन इंडियन को इग्नोर मारता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि तुमसे बचने के लिए तुम्हें सारे नहीं लेना है था। तुम यही हो जैसे जैसे आपको यूएस या यूके में मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन जब इंडियन को देखते तो बड़े खुश होते हैं। थाईलैंड में ऐसा नहीं, यहाँ इंडियन एक दिन से आपको देखेगा और बात भी नहीं करेगा, पास से निकल जाएगा। माय चाय कौन, ये है वो जगह। अभी मैं हूँ, ये है बहुत मतलब मंदिर, मोथ चाओ मोंगकाओ मोंगखाओ मोंगकोल जो भी आप इस नाम से बुलाना चाहिए, इसे लोग कई कई नाम से बुलाते हैं। 1937 में इसको बनाना शुरू किया गया था, एक छोटे से कोई प्राइवेट लैंड पे एक छोटा मंदिर बनाया जा रहा था। बाद में इसको 10 एकड़ की ज़मीन अलॉट की गई। अब आप इसमें देखेंगे तो करीब आधा घंटा लगता है घूमने के लिए और 30 अलग अलग बिल्डिंग यहाँ पर है। नॉर्मली ये पूरा का पूरा एरिया मॉन्क्स के रहने के लिए है। यहाँ पे उनका स्कूल है, यहाँ पर मसाज स्कूल है, वो यहाँ पे उनके लिए क्वार्टर बनाया गया है, वो यहाँ रहते हैं और यहीं पर बुद्धिस्ट तरीके से पूजा पाठ भी करते हैं। ये सबसे पुराना बौद्धिस्ट मंदिर है और जब से इसको किंग ऑफ थाईलैंड की तरफ से, मैं कई बार भूटान बोल जाता हूँ हो सकता है, तो किंग ऑफ थाईलैंड की तरफ से उनको रॉयल स्टेटस मिला, तब से इसकी वैल्यू और बढ़ गई है। शहर के एकदम बीच में है, साउथ साइड वाली रोड उस तरफ है जहाँ से मैं आया था, मेरे बिल्कुल सामने उस गेट से मैंने एंटर किया। सामने बहुत सारे शॉप्स हैं, मार्केट है, तो अगर आप गाड़ी में हैं तो इसके सामने से निकल जाएंगे, शायद इसको नोटिस भी ना करें, पर ये ऐसा है नहीं जैसे नोटिस ना किया जाए। ये खूबसूरत है, गोल्डन कलर के साथ जो कॉम्बिनेशन है रॉयल ब्लू का और ग्रीन ऑरेंज और रेड का, ये कमाल का है। इस तरह की डेकोरेशन देखने को बहुत कम मिलती है। आधा घंटे का टाइम लगेगा इसको पूरा घूमने में, तो जब आप आए तो अपने लिस्ट में रखिएगा वॉट चाय मैंकोल एंड कॉल का, बहुत सारे नाम कोई भी आप ले सकते हैं। सो ये लिस्ट में आपके रहेगा वॉट चाय मांगक्रो मांगखाओ मंगखॉल, तीनों में से कोई भी नाम से बुलाइए, मतलब ये। चलिए अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलने का टाइम हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। वो चाय मोंगकाओ की मार्केट है, उसके बिल्कुल बाहर निकलते ही इस वक्त मैं उस मार्केट में हूँ और कुछ ढूंढ रहा हूँ ऑप्शन खाने के लिए। तो अगर कुछ अच्छा ऑप्शन मिलता है तो ज़रूर खाऊँगा, लंच नहीं किया। कुछ 40 बाट में मिल रहा है, एग से बना हुआ है शायद, ऐसा है लोग ले रहे हैं, तो मैं भी जा करके देखता हूँ कि वो है क्या, कब तक चलेगा।
लोग ही फर्स्ट टाइम क्रैब टेस्ट करने वाला हूँ मैं। 40 बाट में अच्छा खासा फूड है भाई। मुझे कहीं बैठ कर के खाने की जगह ढूंढनी है इसको, पार्क के बाद आकर देखी। तो क्रैब के दो टांगे हैं उसके अंदर, मैंने कभी नहीं खाई, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप खाते हैं ना, कोई कंडीशन नहीं रखी आपने वेज और नॉन वेज की, तो फूड प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 50 बाट में स्टिकी राइस और पपाया का सैलेड बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया खाते। इस वक्त ये वाली डिश तो एक्सपीरियंस है, आप लो जब आओ। ऐसा नहीं कि सब नॉन वेज खाना शुरू कर दिए, पर ये इंडिविजुअल कॉल है और मैं तो बचपन से ही इस तरह से खुद को तैयार कर रहा था कि अगर मैं दुनिया घूमूंगा तो मुझे कहीं भी कुछ भी खाना पड़ेगा ही। ज़रूरी नहीं है कि मेरी चॉइस का फूड वगैरह अगर मिले या मैं लिमिटेशन रखूँ। मेरे तो नाम ही अमित है, अमित का नाम होता ही असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, विदाउट लिमिट्स। तो मैंने फूड में भी लिमिट्स नहीं रखी है, लाइफ में भी नहीं। मैं घूमता फिरता हुआ कोई जगह ढूँढ रहा हूँ जहाँ बैठ के कुछ खाया जा सके, मतलब ये खाया जा सके तो दिया। सुपर मार्केट है फ्रेंडशिप, ओके। मैप में मैंने इसको देखा था, दिखा रहा था फ्रेंडशिप सुपर मार्केट। क्या खुशबू है जो दिस टेम्पटिंग है ना, खाने में अच्छा है, जैसे चिकन के साथ होता है वैसा ही। आप इसको छिलके की तरह उतार सकते हो, कुछ इस तरह बहुत आगे खाने वाला छिलके का प्लास्टिक जैसा फील आ रहा है। निकालिए फाइनल, पहले एक्सपीरियंस है तो मुझे तो लगा कि सोयाबीन सबसे बड़ा चिकन है। बहुत सारे जानवरों का जो मीट है उनको मिलता हुआ खाली खींच के निकाल दो, किससे खाली नहीं होता ये कुछ ऐसे कुछ खास नहीं है। क्रैब मैंने आज पहली बार खाया, क्रैब के क्रैब की टांग है अंदर, एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। एसिड की प्रॉब्लम हो तो नहीं रही थी, मुझे लगेगा कि नहीं खाना चाहिए था, प्रॉब्लम हो गई है। वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट शायद हमारे शरीर को नहीं पता, ये हमारे दिमाग का भी दूर है। मैं गलत हो सकता हूँ पर मुझे तो यही लगता है। ओके, मेरा अगला डेस्टिनेशन बन रहा है बिग बुद्धा टेम्पल। यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है, 3.5 किलोमीटर का वॉक करीब करीब आधा घंटा लगेगा, और बीच में कुछ शानदार मार्केट्स हैं, कुछ अच्छी जगह वो देखने में जाना। थाईलैंड में मैं इस ऑप्शन को बड़े टाइम से ढूंढ रहा था, किसी वीडियो में मैंने देखा था कि आप वन बैठ में खाने की बोली ये काम करता है कि नहीं करता है, ये देखने वाली चीज़ है। लिखा तो यही है वन यू एन एम जैसे कुछ लिखा, तो उसका मतलब वन बार होता है। और मैंने ये रखे काम की प्रॉब्लम पूछे और ये डाला वन बार का पॉइंट यहाँ से बहुत बताया दिखाया बटन ये इस तरह से। यानी कि बटन को आपको बंद करना है, ऑटो सेंसर नहीं है। तो एक बोतल मेरी पानी की भर गई, एक और भर लेता हूँ पीने के बाद, पानी की कमी तो बहुत है। तो ये 1 बाट का भर गया, मुझे इसको बंद करना है ताकि पानी वेस्ट ना हो। लीजिए 2 रुपये में एक पानी की बोतल,
ये रही, रख लो बैग के अंदर, काम आएगी।